एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग देख रहे हैं, मैं नोएडा में हूं और हमने स्टार्ट किया है यहां अपना नया आरएनडी किचन, और मैं आपको कराने वाला हूं अपने आरएनडी किचन का विजिट। तो आइए अंदर, ठीक है? तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा किचन। और सबसे पहले आज हमने पूजा करी है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा पूजा की व्यवस्था हम लोगों ने करी थी, तो अभी हम लोगों ने पूजा खत्म करी है, है ना? और ये हमने छोटा सा ऑफिस हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा है, ये पूरा का पूरा वाईफाई वगैरह भी हम लोगों ने आज यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है? और ये तो ये वाला सेक्शन हम लोगों ने अपना जो ऑफिस के लिए बनाया है, बाकी जो हमारा जो मंदिर है शिफ्ट हो जाएगा हमारा इस दिशा में या फिर इस दिशा में, ठीक है? तो पंडित जी ने हम लोगों को बता दिया था। बाकी आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो लगभग 1.5 महीने पहले करीब मैं यहाँ था, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा शुरुआत होती है हमारे किचन की, ठीक है? ये देखिए, ये पूरा का पूरा हमारा किचन है ना? तो लास्ट टाइम जब अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी ना, आपको ये बिल्कुल ब्लैंक सी जगह थी, और जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक लो कार्ब का कुछ क्लाउड किचन समथिंग करना चाहते थे। बट जो अभी करंट जो प्लान चल रहा है वो हमारा सिर्फ आरएनडी किचन का है। मे बी होपफुली हम लोग इस किचन को बाद में शिफ्ट करेंगे अपने किसी और मेजर सिटी में, अपने दिल्ली के अंदर ही मेनली मेरा किसी अच्छे एरिया में एज अ रेस्टोरेंट के तौर पे। अब ये पूरा का पूरा किचन आप देखिए, ठीक है? ये पूरे के पूरे अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ये जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं ये भी पूरे मेरी ही कंपनी के द्वारा है, ठीक है? ये पूरे के पूरे हम लोगों ने इंस्टॉल्स करे हैं यहाँ पे। और हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, बाकी किचन तो मैं आपको पूरा का पूरा दिखाऊंगा। ये एक प्रकार का हमारा मील होने वाला, मील का मतलब है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने डाइट फूड देखे होंगे ना, उस तरीके का ही है ये, ठीक है? जिसमें कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कम से कम कार्ब खाए। तो आप देखेंगे लगभग हम लोगों ने 30 मेन्यू रेडी करे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अब जो भी हमारी रेसिपीज हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी क्वांटिटीज़ उनकी है, ठीक है? उसके अंदर कितनी कैलोरीज है, फैट है, कार्ब है, फाइबर है, ठीक है? प्रोटीन्स हैं, फिर टोटल कार्ब्स कितने हैं, ठीक है? फिर उसका पूरा का पूरा ईल्ड कितना आ रहा है। तो लगभग ऐसा हम लोग 60 दिनों का पूरा एक स्लॉट रेडी करने वाले हैं, 60 दिन का मेन्यू करने वाले हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का। और उन 60 दिनों के अंदर जितनी भी रेसिपीज हो, मे भी हो सकता है कि 300 या 400 रेसिपीज हो, वो सारी की सारी रेसिपीज की 1-to-1 हम लोग यहाँ आरएनडी करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आरएनडी करने के बाद ही हमको एग्जैक्ट पता चलेगा उनका टेस्ट क्या है, कैसा है, अगर हमको कहीं पे कुछ बढ़ाना है घटाना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें होने वाली है। और जो ये मेन्यू हमारा पूरा होने वाला है वो पूरा का पूरा मल्टी कुजीन हमारा होने वाला है, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, वर्ल्ड कुजीन, मैक्सिकन, ठीक है? सब कुछ हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं। तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो जिस प्रकार से हमारा जो मेन्यू है उसी हिसाब से हमारा पूरा का पूरा किचन भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो ये यहाँ पे हमारा ओवन है यहाँ पे, ठीक है? तो जो भी हमारी बेकिंग वगैरह होगी वो सारी की सारी इसके अंदर होने वाली है। यहाँ पे जो हमारी दो इंडियन की जो रेंज है बर्नर हमारे हैं, ठीक है? इवन अगर आप देखोगे हम लोगों ने जो पूजा करी थी पूरा का पूरा, अभी भी उसका ही आप लोग जो हमने टीके वगैरह लगाए थे वो सारे के सारे हैं, ठीक है? इसके बाद हमने यहाँ पे अपना एक कॉन्टिनेंटल सेक्शन बनाया है। यहाँ पे हमारी 4 जो बर्नर हैं, छोटे वाले बर्नर्स होते हैं हमारे कॉन्टी के, वो हैं, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हमारा कुछ चाइनीज़ का या हमारा जो ओरिएंटल खाना हो या एशियन खाना हो, बिकॉज वो हमारा वॉक के अंदर स्पेशली बनता है, तो पूरा का पूरा उसके लिए हमने ये जो वॉक का जो हमारा बर्नर होता है, चाइनीज़ बर्नर होता है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा इंस्टॉल किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तंदूर की सेटिंग करी है, ठीक है? तो तंदूर इंडियन का जो भी खाना होने वाला है, बेसिकली अगर नान रोटी या तंदूर के कोई भी डिश जा रही है, क्योंकि इस मेन्यू के अंदर हम लोग तंदूरी आइटम भी रखने वाले हैं, वो सारी की सारी हमारी यहाँ से जाने वाली है, ठीक है? और ये है हमारे शेफ विजय, देख लीजिए, ठीक है? ये हमने छोटा सा सेटअप करा है हमने हमारे पोर्क वॉश के लिए, क्योंकि यहाँ डिश वॉश नहीं होने वाला है। ये हमारा एक फ्रीज़र है, और इसके अलावा हम लोगों ने जो स्टाफ की ट्रेनिंग्स, और स्टाफ की ऑलरेडी हायर हो गया है, स्टाफ की सारी सारी जो हमारी ट्रेनिंग्स है, किचन की यूटेंसिल्स की है, फैट टॉम की एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी आ गई थी, हमारी कूलिंग के मेथड्स हो गए, किस तरीके से फूड को डिफ्रॉस्ट करना है, फूड सेफ्टी, और सबसे मेजरली यहाँ पे जो है हमारी है वो फूड बॉर्न इलनेस के बारे में, ठीक है? तो जितने भी हमारे जो वायरसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पूरा का पूरा बताया है, चाहे इकोलाई हो, ठीक है, साल्मोनेला हो, ठीक है, आपका नोरो वायरस हो, ठीक है, पूरे के पूरे जो टेम्परेचर्स वगैरह होते हैं, पूरी की ट्रेनिंग्स हम लोगों ने यहाँ जो स्टाफ को कराई है। और ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स है, जो वीडियोज़ है, लगभग 11 से 15 करीब ट्रेनिंग हुई है, जो कि स्पेशली हमारी फूड सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारी की सारी
YouTube के जो हमारे चैनल है उस पर आ चुकी है, लगभग 4 करीब आ चुकी है, बाकी भी आने वाली हैं। और फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, छोटे छोटे पोर्शंस पे आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, कई सारी छोटे छोटे पोर्शन में। तो जो हमारा डे वन का जो ट्रायल है हमारा, वो हम लोग अभी यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। वेइंग स्केल रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक एक चीज़ को बिल्कुल माप के नाप के डाला जा रहा है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है हमारी यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा लैपटॉप है, भारी हो रहा है काफ़ी, ठीक है लैपटॉप है इसके अंदर। यहाँ आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमने एलर्जेंस का भी मेनली रखा है, ठीक है, क्योंकि इस फूड के अंदर हम कई सारी ऐसी चीज़ें भी यूज़ करेंगे जो कि एलर्जेंस हो सकती हैं, तो उनके बारे में हमें अवेयरनेस है। फूड रीहीटिंग का है, किस प्रकार से हमको अपनी सर्फेसिस वगैरह साफ़ रखनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे टेबल्स हैं विद अंडर काउंटर, जो स्टोरेज हमारी होती है, वो सारी की सारी हैं, है ना। और फाइनली यहाँ पे जो हमारा है, ये है हमारा कोल्ड बिन मैरी, ठीक है। तो जितने भी हमारे मीज़ा प्लस हैं, पूरे के पूरे हम लोगों ने डे वन के यहाँ पे रखे हैं, और आज हमारा डे वन ही है यहाँ पे। आज हमने अपनी चेरी टमेटो, ठीक है, तो डे वन के दिन हमने जो बेसिकली पूजा कर दी है, क्योंकि पूजा के बाद ही हम लोग अपना किचन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग अपने जो डे वन के ट्रायल करने वाले हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा है। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे हमने ये जो डक्टिंग है ये पूरी की पूरी लगी है, ठीक है, आप ये पूरे के पूरे देखें ना, ये पूरा का पूरा इंस्टॉल करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप देखें पूरा का पूरा ही है ना, ये आपको पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंस्टॉल है। यहाँ पे फैन भी लगाया है, इवन ये जो पूरे के पूरे जो हमारे बर्नर्स हैं, ठीक है, ये हमारे गैस बैंक हमारा पीछे की तरफ है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेशर का है, कितना प्रेशर वगैरह होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी किचन स्टार्ट कर रहे हो, R&D किचन स्टार्ट कर रहे हो, तो होपफुली यहाँ पे हमारी R&D लगभग 2 महीने करीब चलने वाली है। कोशिश करेंगे कि पहले ख़त्म हो, ताकि जो समय हमारे पास बचे हम लोग आगे के लिए भी यूटिलाइज़ कर पाएँ। और बाकी अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट से ज़रूर लिखिएगा, या आप किसी प्रकार का कोई नया कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आप प्रॉपर एक R&D किचन रेडी करना चाहते हैं, और कोई एक नए प्रोडक्ट पे आप लोग आना चाहते हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस हो, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन कमेंट आप नीचे लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।